अल्ट्रा भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भूलें। मैं जीवन का आदर्श से परिचय करवाने वाली भक्ति हूँ। मैं पूजा करने वालों की शिरोमणि पूजा हूँ। गौरी पुत्र के न मिलने पर देवी पार्वती को पश्चाताप होता है। गौरी पुत्र के सहयोग से महादेव तारक पुत्रों का वध करने में सफल होते हैं। परम पूज्य गजानन श्री गणेश, देव ऋषि नारद का प्रयास असफल हुआ, अब आप मुझे आज्ञा दे गजानन श्री गणेश। भक्तराज प्रयास, तुम्हारी निष्ठा पूर्वक भक्ति से परम देव श्री महागणेश अत्यंत प्रसन्न है। तुमने अपनी भक्ति से अपनी असुरता का अंत कर दिया है। अब तुम असुर भयासुर नहीं रहे, देवताओं के समान दयासुर बन गए हो। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। परम देव श्री महागणेश की इच्छा से मैं तुम्हें दयासुर का नाम और परम श्री महागणेश भक्त का पद प्रदान करता हूँ। हे गजानन, मैं इस सम्मान की योग्य नहीं। परम देव श्री महागणेश की कृपा मुझ जैसे अधम प्राणी के योग्य नहीं। मैं तो केवल आपका भक्त बनकर आपका गुणगान करना चाहता हूँ। भक्तराज दयासुर, तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। जब तुम चाहोगे तब तक इस संसार में जीवित रहोगे। जय जय श्री महागणेश, जय जय गजानन श्री गणेश। हे प्रभु, आपने मुझ जैसे अधम प्राणी पर कामना से अधिक कृपा की है। जय जय श्री महागणेश। परंतु अपनी बात कहने में संकोच न करो दयासुर। ऐसी महान और दिव्य कृपा पाने वाला प्रायः अभिमानी और अहंकारी होकर दुष्कर्मी बन जाता है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझ पर एक कृपा और करें। कहो दयासुर, मेरी प्रसन्नता तुम्हें इस संसार का हर एक सुख प्रदान करने के लिए प्रस्तुत है। गजानन श्री गणेश, परम देव श्री मां गणेश के चरणों में मेरी भक्ति सदा सदा बनी रहे। अभिमान, अहंकार, अधर्म, असत्य और दुष्कर्म, इन सब की कुदृष्टि मुझ पर कभी ना पड़े। आपकी कृपा से इच्छा मृत्यु का वरदान पाकर भी मैं सदा सदा के लिए श्री महागणेश की भक्ति का प्रचार करता रहूं। जिस प्राणी को परम देव श्री महागणेश की कृपा प्राप्त होती है, उसकी ओर अभिमान, अहंकार, अधर्म, असत्य और दुष्कर्म देखने का भी साहस नहीं करते। मेरी कृपा से परम देव श्री महागणेश के चरणों में तुम्हारी भक्ति तुम्हारे नाम के समान सदा अमर रहेगी। जय जय श्री महागणेश, जय गजानन श्री गणेश। वरदानी असुरराज, मत्सरा असुर की जय। वरदानी असुरराज, मत्सरा असुर की जय। वरदानी असुरराज, मत्सरा असुर की जय। देवराज इंद्र के शरीर से जन्मे मत्सरासुर, तुम भी देवराज इंद्र के समान श्री महागणेश जी के भक्त बन जाओ और मेरे समान इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करो। परंतु तेरी मृत्यु तो मेरी इच्छा अनुसार होगी। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। मुझ पर प्रहार करके व्यर्थ परिश्रम ना करो। परम देव श्री महागणेश और गजानन श्री गणेश की कृपा से मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। तुम भी परम देव श्री महागणेश की भक्ति को स्वीकार कर अपना जीवन धन्य करो मत्सरासुर। दुष्ट है असुर, मेरा जीवन तो तभी धन्य होगा
जब मैं श्री माँ गणेश के वरदान को मिथ्या सिद्ध करके तुझे मृत्यु के मुख में पहुंचा दूंगा। मूर्ख मत्सरासुर, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करके मैं अमर हो गया हूँ, तुम मुझ पर प्रहार करके अपनी दुर्गति क्यों करवाना चाहते हो? यदि तुम्हें स्वर्ग का सिंहासन चाहिए तो आओ मेरे साथ परम देव श्री माँ गणेश की भक्ति करके स्वर्ग के सुख का भोग करो। नहीं दोस्त, इस स्वर्ग पर मुझे केवल अपना अधिकार चाहिए, तुम्हारे साथ रहना मुझे स्वीकार नहीं। तुम मेरी विध्वंसक शक्तियों को जानते नहीं, मेरी वरदानी शक्ति तुम्हें क्षण मात्र में यमलोक पहुंचा देगी। जय जय श्री माँ गणेश। देखते क्या हो असुर वीरो, इस भयासुर के टुकड़े टुकड़े कर डालो। जय जय श्री माँ गणेश, जय जय श्री माँ गणेश। प्रणाम श्री गणेश। दुष्ट मत्सरासुर, तू देवराज इंद्र के मत्सर से जन्मा है। मत्सर कभी भी भक्ति अथवा प्रेम का रूप नहीं ले सकता। तूने भगवान शिव के वरदान का अपमान किया, अपने गुरु शुक्राचार्य को दिए वचन को कलंकित किया, भक्तराज दयासुर के कथन को लांछित किया। आज तुझे समाप्त होने से कोई भी रोक नहीं सकता। मत्सर अर्थात ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध, और इसका परिणाम अशुभ ही होता है। तुम्हारे मत्सर से जन्मा ये मत्सरासुर भगवान शिव का वरदान पाकर भी अपने अहंकार के कारण गजानन श्री गणेश द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसकी मृत्यु से तुम्हारे मत्सर का अंत हुआ। अब कभी भी ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध को अपना साथी न बनाना। मत्सरासुर की मृत्यु से तुम्हारी सच्ची महागणेश आराधना सफल होती दिखाई पड़ रही है। जय जय श्री महागणेश। पूज्य वरो, परम देव श्री महागणेश की कृपा से और गजानन श्री गणेश की दया से अब मैं भयासुर से दयासुर बन चुका हूँ। मेरी श्री महागणेश की भक्ति से प्रसन्न होकर गजानन श्री गणेश ने मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है। तुम धन्य हो दयासुर, और धन्य है तुम्हारी परम देव श्री महागणेश की भक्ति। मैं तो अज्ञानी और अधम ऋषिवर, धन्य है मेरा आराध्य परम देव श्री महागणेश। देवराजन, देवता आओ, मैं तुम सबको स्वर्ग ले जाने आया हूँ। हे अमर वरदानी भक्त राज दयासुर, स्वर्ग पर मुझसे अधिक अधिकार तो तुम्हारा है। तुमने अपनी भक्ति की शक्ति से संसार का सबसे दुर्लभ वरदान प्राप्त किया है। नहीं नहीं देवराज,
स्वर्ग पर आपका ही अधिकार है। देव माता अदिति का पुत्र इंद्र ही स्वर्ग सिंहासन का सच्चा अधिकारी है। आइए आप मेरे साथ चलिए। दयासुर, यदि तुम मेरे साथ स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान नहीं होगे तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं देवराज, मुझे ऐसी आज्ञा न दे। मैं तो अपना जीवन शिव महागणेश की भक्ति में लीन कर देना चाहता हूँ। ये कार्य तो तुम स्वर्ग में भी कर सकते हो दयासुर। जय जय शिव महागणेश। जिसे परम देव शिव महागणेश की कृपा प्राप्त हो उसके लिए स्वर्ग क्या और पृथ्वी क्या, वो तो जहाँ भी बैठ जाएगा उसकी भक्ति से स्वर्ग वहीं प्रकट हो जाएगा। जय जय शिव महागणेश। विश्व को वरदान देने वाले शिव महागणेश के विश्व का हर कोना अब मेरे लिए स्वर्ग है। देवराज, स्वर्ग का सिंहासन अधिक समय तक रिक्त नहीं होना चाहिए। अब शीघ्र मेरे साथ चले, मैं आपको स्वर्ग पहुंचाकर गजानन श्री गणेश की आज्ञा का पालन करके अपनी भक्ति को सफल करूंगा। जय जय श्री महागणेश। माता श्री, पिताश्री, आप भी मेरे साथ स्वर्ग चलिए और स्वर्ग के सुख का उपभोग करिए। पुत्र, हमारा स्थान इसी आश्रम में है। जिस प्रकार भक्तराज दयासुर के लिए संसार का कोना कोना स्वर्ग के समान है, उसी प्रकार हमारे लिए आश्रम भी स्वर्ग के समान है। यहाँ रहकर परम देव श्री महागणेश की आराधना करना, यही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है पुत्र। प्रणाम, प्रणाम देवराज। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी देवराज। जय जय श्री महागणेश। आइए। श्री महागणेश की जय। श्री महागणेश की जय। श्री महागणेश की जय। परमदेव श्री महागणेश की जय जयकार से स्वर्ग लोक गूंज उठा। अमर वरदानी भक्त शिरोमणि भयासुर की कृपा पाकर देवराज इंद्र धन्य हो गए। उधर संसार की समस्याओं का अंत हो जाने से प्रसन्न देवर्षि नारद नारायण नाम की अलख जगाते आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये कौन बालक है जो खेलने कूदने की अवस्था में इतनी तल्लीनता के साथ श्री गणेश की आराधना कर रहा है? नारद, इसकी आराधना का रहस्य तुम्हें जानना ही होगा। ओ महागणेशाय। देश में इतनी तल्लीनता के साथ तुम श्री गणेश की आराधना क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम? बस तुम किसके पुत्र हो? तुम्हें श्री गणेश की आराधना करके क्या प्राप्त होगा? नारायण नारायण, ऐसा दृढ़ साधक तो मैंने आज तक नहीं देखा। अपनी साधना का उद्देश्य तो बताओ बस।
इस कठोर साधना की प्रेरणा तुम्हें कहां से प्राप्त हुई? कौन है तुम्हारा गुरु? इस कठोर साधना से तुम्हें क्या मिलेगा प्रिय बालक? मेरे प्रश्नों का उत्तर दो प्रिय बालक, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तुम्हारी इस कठोर साधना को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा का महासागर उमड़ रहा है। उत्तर दो बालक, उत्तर दो। हे श्री गणेश भक्त, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। आप, मैं आपका परिचय नहीं जानना चाहता। लगते तो आप साधु महाराज हैं। कृपा करके मेरी पूजा में बाधा ना डालिए। यदि आपकी इच्छा हो तो आप भी मेरे साथ गणेश की पूजा में बैठ सकते हैं। तब आपको मालूम पड़ेगा कि श्री गणेश की आराधना में कितना आनंद मिलता है। बलाल, तुम्हारे साथ ये विचित्र साधु महाराज कौन है? ओम गणपति आए नमः। ये तो वास्तव में विचित्र हैं। हाथ में वीणा और करतार, केशों पे इतनी लंबी चोटी, और इनके वस्त्र तो देखो। वस्त्र ही नहीं, गले में पहने कंठी माला को तो देखो। बताओ ना बलाल, ये कौन है? ओम गणपति आए नमः। मित्रों, ये भी हमारे समान श्री गणेश के भक्त हैं। श्री गणेश की पूजा का आनंद पाने के लिए मेरे साथ आराधना कर रहे हैं। तुम सब भी आराधना करो। तुम कहते हो तो हम आराधना प्रारंभ करते हैं, क्यों चंपक? हाँ हाँ, बल्लाल की इच्छा का सम्मान करने के लिए अब तो हमने खेलना कूदना भी छोड़ दिया। अब तो हम केवल श्री गणेश की आराधना। तो फिर बातें ना बनाओ, बल्लाल की इच्छा के लिए श्री गणेश जी की आराधना प्रारंभ करो। क्या श्री गणेश आराधना में तुम्हारा मन नहीं लग रहा? कैसी बातें करते हो चंपक, श्री गणेश आराधना में मन न लगने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बल्लाल के कहने पर हम जब से श्री गणेश की पूजा करने लगे हैं, हमारे माता पिता हम पर प्रसन्न रहते हैं। सच कहते हो कालिया, पहले तो सारा दिन माता पिता की डांट फटकार में बीत जाता था, परंतु अब हमें माता पिता का प्रेम और स्नेह मिलने लगा है। बल्लाल सही कहता है, श्री गणेश आराधना का प्रभाव ऐसा ही होता है। हमें भी श्री गणेश कृपा से हर काम में सफलता मिलने लगी है। इसके लिए बल्लाल को हमें धन्यवाद देना चाहिए। नहीं नहीं मित्रों, मित्रता में धन्यवाद की आवश्यकता नहीं होती है। जो कुछ भी मैं जानता था वो मैंने तुम्हें बता दिया। तुम सभी को श्री गणेश की कृपा प्राप्त हो चुकी है, परंतु अब तक मुझसे श्री गणेश प्रसन्न नहीं हुए। जब से मैं श्री गणेश की पूजा करने इस वन प्रदेश में आने लगा हूँ, तब से मेरे बापू मुझसे रुष्ट रहते हैं। तब तो तुम्हें श्री गणेश की आराधना छोड़ देनी चाहिए। बापू को दुख पहुँचाना उचित नहीं है। बल्लाल, वैसे भी मुझे तुम्हारे बापू से भय लगता है। तुम्हारे बापू का क्रोध बहुत भयानक है, इसीलिए तुम्हें आराधना का त्याग कर देना चाहिए। जब तक मैं श्री गणेश के प्रसन्न न होने का कारण न जान लूं, तब तक मैं घर नहीं लौटूंगा। तुम कैसे जानोगे बल्लाल? ये तो श्री गणेश ही बताएंगे। क्या तुम्हें ये कारण बताने श्री गणेश यहाँ आएंगे? उन्हें आना ही होगा। अपने भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करते, अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते श्री गणेश। हाँ हाँ, बल्लाल के बुलाने पर श्री गणेश अवश्य आएंगे। ये सब तुम लोग कैसे जानते हो? साधु महाराज, जब बल्लाल के कहने पर हमें श्री गणेश की कृपा मिल गई तो
तो क्या बल्लाल के पुकारने पर श्री गणेश नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे गणेश भक्तों, अवश्य आएंगे। तुम सबके भीतर श्री गणेश की अद्भुत भक्ति छिपी है, तुम्हारा कल्याण हो। ओम महागणेशाय नमः।